चाहती हो कि हम गर्व के ऑपरेशन के पैसे दें, तो तुम्हें गर्व की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाना होगा। घर पे इलाज नहीं हो सकता, आप लोगों को इन्हें हॉस्पिटल में ही रखना होगा। गौरी, कहाँ चली गई तुम? गौरी कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? गौरी, 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 Gori!
इसलिए ऐसा हो रहा है। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट कराने होंगे, फिर हम आपको साफ साफ बता पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो करना है करो, पर हमारे बेटे के दिमाग से उस लड़की का नाम निकालो। वो सिर्फ हमें याद करेगा, हमें याद रखेगा, समझे? मैडम आप खुद को संभालिए, मैं आपके हालात समझ सकता हूँ, लेकिन ये मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है कि आखिर उन्हें केवल गौरी ही क्यों याद। कभी कभी हादसे के बाद पेशेंट उसी को याद रखता है जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। ये गौरी कौन है और इस वक्त कहाँ है? पता नहीं डॉक्टर, कब से उसे फूल लगाने की कोशिश कर रहे पर कोई जवाब नहीं दे रही। कुछ तो गड़बड़ है, मैं कुछ भी करके उसे ढूंढना ही होगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। गौरी अब हम लोगों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। क्या मतलब है आपका? मर चुकी है गौरी। गर्व के लिए गौरी मर चुकी है, समझे? ये हमारा आखिरी फैसला है। अगर हम 9 महीने अपने बेटे को अपने कोख में रखकर पाल सकते हैं, पाल पोस कर बड़ा करके कामयाब बना सकते हैं, हम हमारे प्यार से हमारे गर्व को ठीक भी कर सकते हैं। नहीं जरूरत है किसी डॉक्टर की, किसी गौरे की। हमारे बेटे के लिए उसकी मां ही काफी है। और एक बात, आज के बाद से अगर किसी के भी मुंह पर गौरी का नाम आया, बस वो नाम ही काफी होगा उसे शमशान तक पहुंचाने के लिए। आज 7 साल पूरे हो गए उस हादसे को। हमारा बेटा कल अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया है। बस इस दिल को ये सुकून है कि आज तक उस मनहूस बुनकर गौरी का नाम किसी ने नहीं लिया हमारे शकुंतला निवास में। आपको इस दुनिया से गुजरे हुए सात सालों में हम गर्व को ठीक नहीं कर पाए। अगर ठीक कर पाते तो शायद कुछ और साल आप हमारे साथ रहते। हम हार गए पिताजी, हम हार गए। जिसकी जितनी उम्र होती है आदमी उतना ही जीता है। हमें लगता है ना, पिताजी को गर्व के हालात के साथ साथ इस बात का भी ज्यादा सदमा लगा था जब आपने बता दिया था कि गौरी इस घर पे कभी वापस नहीं आएगी। बिंदा! कितने बार कहा है उस लड़की का नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा। थोड़ा बहुत सुकून है हमारी जिंदगी में वो नाम सुनकर वो भी चला जाता है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या बिंदा? जब तुमको पता है कि इस घर में कोई भी गौरी का नाम नहीं लेता तो क्यों लिया गौरी का नाम? ये नाम अगर गर्व के कानों में चला जाता ना तो इस घर में नया तमाशा खड़ा हो जाता। अरे तमाशा हमने नहीं किया है, तमाशा तो दीदी ने बनाया अपने बेटे का। तकलीफ इन्हें अपनी गौरी से थी और तबाही बेटे को कर दिया।
जिस गर्व अग्रवाल के सामने में पूरा बनारस नजरें झुकाए खड़ा रहता था, आज इनकी वजह से पूरा बनारस हमारे गर्व में हंसता। अरे ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता है, जैसा इन्होंने अपनी ही बहू को घर से निकालने के लिए अपने बेटे गर्व के साथ किया है। गर्व जी ने हमें पुकारा, भले ही घर में गौरी का नाम डले लेकिन आज की तारीख ही ऐसी है कि गर्व उसे कभी भूल नहीं पाएगा। हम किसी भी कीमत पर गर्व को आज की तारीख का पता नहीं लगने दे सकते। गंगा, गंगा जी मालकिन, गर्व के कमरे में कोई ऐसी चीज नहीं है ना जिससे उसे आज की तारीख का पता चल सके? कैलेंडर, फोन, घड़ी, कुछ भी नहीं मालकिन, हमने सब हटा दिया था। हम देख कर आते हैं कि गर्व ने खाना खाया या नहीं। जी। सात साल हो गए हैं इस बात को, लेकिन आज भी गर्व जी के साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा हमें याद है। अगर मालकिन हमें ससुराल से नहीं निकालती तो क्या पता गर्व जी और हमारा साथ थोड़ा और लंबा होता। खैर, हम उनके साथ तो नहीं रह पाए, लेकिन कम से कम गंगा दीदी से खैर खबर तो मिलती है कि वो अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। लेकिन ये बात हमारे मन को भारी भी बहुत करती है। ठीक होने के बावजूद वो हमसे कभी मिलने के लिए नहीं आए। शायद उन्हें हमसे प्यार था ही नहीं।
भी हमारी आंखों में हमारी लावारिस बेटी की लाश दिखाई दे रही है। घड़ी तो कहती है और उसकी वजह ना तू था, पर भी करना है जब तक तुझे जिंदा लाश नहीं बना देते ना पर बनाती का, और एक दिन तू अपनी मां की जान ले लेगा और अब प्यार तो खत्म हो ही गया, एक दिन तो अपनी मां भी खत्म हो जाएगी। चेहरे पर साफ कर, माफ कर दादी, सर पर टपली मारने की कहा माफी। चलिए ठीक है, हमने दी आपको माफी, लेकिन उसके लिए आपको हमारे लिए लिपस्टिक और पाउडर का बड़ा वाला डब्बा लाना होगा, वो भी महंगा वाला। बोलो मंजूर है? मंजूर है की बात कर रही, और एक कान के नीचे देंगे ना खोपड़िया ठीक हो जाएगी। अरे इधर, हम कह रहे हैं कि जो चेहरे पर लगा है ना उसे जा करके साफ कर। अच्छा अच्छा, जो चेहरे पे लगा है, ठीक है ठीक है, अभी साफ कर देते हैं। कैसी लग रही हूँ मैं? अरे कान में मशीन का ही नहीं लगाती है। हाँ जान, जान की कौन सी मशीन होती है दादी? आप हमें बेवकूफ मत बनाइए, हम अच्छे से जानते हैं जान की कोई मशीन नहीं होती, कान की मशीन होती है। अरे हम भी तो वही कह रहे हैं पगली, कान की मशीन काहे नहीं लगाती? कान में मशीन? नहीं दादी, कान में मशीन, हम कान में मशीन क्यों लगाएं? कान में मशीन हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें शादी करनी है, और अगर हमने कान में मशीन लगा ली तो हमसे शादी कौन करेगा? अरे तुम्हें यहाँ शादी करने आई है कि अपने बाप और हमारे बेटे मोहन का बदला लेने के लिए आई है? चाहे किसी भी हाल में शकुंतला और गर्व की जिंदगी बर्बाद न कर दे तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले, समझी? हम तो समझ गए दादी, पर अब गर्व भैया और शकुंतला बुआ को समझना होगा कि ये गैरी खट्टी भी है और तीखी भी है। क्या हुआ? क्या हुआ? We'll be right back.
पा रही है कुछ भी तो नहीं सको। क्या परेशानी है, क्यों गुस्सा हो रही है? हताश हो रही थी, कह रही थी कि कौन सा ग्रहण भगवान ने लगा दिया है इस घर की खुशियों को गौरी का। छोटी माई, कितने बार आपको कहा है उसका नाम इस घर में मत लीजिए। किसका? गौरी का? गौरी का? नाम सुना मैंने, कहाँ है गौरी? कहाँ है गौरी? दरवाजा खोलो। तुम दो के बाद तो मेरे पास बुलाओ, मुझे पास कर दिया उसने। ए, खोलो दरवाजा। ए, खोलो दरवाजा। मेरे प्यार को भूल गई, मुझे छोड़ के चली गई गौरी। मेरे प्यार को नहीं समझी, मुझे नहीं समझी। बुलाओ गौरी का। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.